हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने यहाँ पे आवाज़ मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे ट्रेन है, तो ट्रेन में तो भाई हर कोई मोबाइल से सॉन्ग सुनते रहते हैं, गाना देखते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने वरना मुझे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। और बेटी भी मोबाइल ले रखी है, ये भी अपना कार्टून देख रही है, और रात को तो बेटा मेरा अभी तक सो रहा है। कैसे कैसे, चलो रात तो निकल गया, अब आज रात की बारी है, आज रात निकलेगा फिर कल सुबह पहुंचूंगी मैं। बाहर का सीन देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन आया है, और पहाड़ी इलाका जो होता है ना, पहाड़ी जो व्यू होता है वो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो जो व्यू है ना, बहुत ही फोटो वगैरह वहाँ लेने में और वीडियोज़ बनाने में, वो सब जो सीन है बहुत अच्छा रहता है। बाबा जी ने सही किया था क्या? जा जाइए भैया, लाडू रानी खा रही है क्या? यहाँ से आ रहे थे तो सही किया। और ये बिस्किट तो कानपुर स्टेशन भी अब क्रॉस कर गया, काफी देर तक यहाँ रुकी थी, तो अब यहाँ से भी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। और पूरा लंबा जो सफ़र है ना, पूरा दिन का सफ़र तो सच में काटना मुश्किल हो जाता है, रात का तो चलो सो के निकल जाता है, और बच्चे हैं साथ में तो और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। मोबाइल इसलिए आगरा अपना दोनों मोबाइल लेके आई थी कि ताजमहल देखने को मिल रहा है, ये रहूँगी तो ये दोनों क्या थोड़े बिजी रहेंगे, ऐसे कंटिन्यू तो नहीं चला रहे थे, बट कभी दिन में ये लोग भी सो जा रहे थे, कभी खेल रहे थे, तो कभी मैं फ़ोन पकड़ा देती थी, तो ऐसे ही निकल गया हमारा सफ़र। और रात का टाइम हो गया था, तो रात में हमने खाना ऑर्डर किया था, जो कि खाने में देख सकते हो क्या रहता है, तो सब्जी दाल चावल पराठा अचार। इसके पापा आ गए, बच्चे को बोला था बात मत करना, बच्चे ये मानते नहीं है। अरे चाय पी लाइए, कहाँ बाहर, बाहर कहाँ, बाहर कहाँ पी लाइएगा। ये होता होगा जब कोई बाहर से आता है तो लोटे में पानी डाल के उसे ऐसे उबार के 5 बार 7 बार करके करते कि बच्चे होते हैं ना, नजर वजर ना लगे रास्ते में, जो नजर लगे वो सब बाहर मतलब चला जाए। जैसा चलो आ गए अपने घर, अपना अपना ही होता है, वाह सब हटा देते हैं। बारिश में कपड़े कितने सूखेंगे,
जैसा छोड़ के गई थी बेडशीट वैसा का वैसा ही है। आप बोलिए, बेडशीट भी नहीं चेंज की है। हाँ, चाय वाय बन चुकी है, हमारे पति देव मेरे लिए चाय बना रहे हैं। मेरे ना रहने पे घर की हालत देखी कैसी है, कपड़े वपड़े कोने में ही, बेड सीट और शर्ट टी शर्ट जितने कपड़े हैं इसको ऑफिस से आते थे तो लगता है मुझे वहीं पे खोल के रख देते थे और यहाँ पे ये सो जाते थे ना। भी जो बेड मैं बिछा के गई थी, बेडशीट जो बिछा के गई थी वही बेडशीट पड़ा हुआ, इन्होंने चेंज भी नहीं किया। और अब मैं जा रही हूँ, आज पूरा क्लीन करूँगी, सफाई करूँगी, डील कर लेती हूँ। तो घर की हालत आप लोग देख रहे हैं कि एक औरत के घर में ना होने से घर कैसा होता है, कि क्यों एक औरत ही घर की सफाई कर सकती है, बाकी तो मर्द लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बस ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, इतना ही है बस। ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए चाय बना लेना, कभी कभार खाना बनाते थे, अक्सर ये बाहर ही खाते थे। तो आते ही मैं क्या लग गई, हमें तो कैसा होता है हम औरतों का, अगर अपने घर आए गंदगी देखे तो ऐसा होता है कब साफ़ करे कब साफ़ करे, तो वही हालत मेरे अंदर भी थी। मैं बिना नहाए ही लग गई, क्योंकि पहले घर को साफ करूं फिर मैं नहाऊं, तो इसलिए बेड वगैरह लाइए देखो सारे फालतू के कपड़े सब रख दिए। और ये झाड़ू इनसे मंगवाई थी, नया झाड़ू लेके आया। 50 हाँ ठीक सही है, मेरा झाड़ू बिगड़ गया था, सब खराब हो गया था, नया झाड़ू मंगवाया। तो आज 3 दिन पे घर का खाना खाऊंगी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, दाल चावल बन गया, ज़्यादा नहीं कुछ बना रही हूँ बनाने का, तो भी मैंने थकी भी हूँ। हस्बैंड ने बोला मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ बाहर से, मैं ला दे रहा हूँ बाहर से, ऑनलाइन मंगा देता हूँ, क्या फ़ायदा। मैं 2 दिन से ऐसी भी ट्रेन पर बाहर का ही खा रही थी, इसलिए मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, सिंपल ही बनाऊँगी, लेकिन घर का रहेगा। खाना वाना खा लिए, मेरे हस्बैंड खाना दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, सिर्फ अभी मैं नहीं खाई हूँ। तो उनके जाने के थोड़ी देर के बाद, तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर मैं यहाँ पे घर में झाड़ू लगा रही, फिर पोछा लगाऊंगी। और बेटा मेरा खा रहा, बहुत धीरे धीरे खाता है। बैग देखिए अभी वैसे के वैसे बड़ा, पहले पूरे घर की सफाई कर लूँगी, उसके बाद ही जाके मैं पहले नहाऊँगी और फिर बाकी का मैं काम करूँगी, लेकिन पहले काम हो जाए ना, तो फिर क्या है मन को शांति मिल जाती, सुकून मिलता है और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। झाड़ू भी मेरा टूटा हुआ था, पहले वाला झाड़ू पुराना हो चुका था, और ये झाड़ू लगाते थे पता नहीं कैसे लगाते थे, जो भी बचा कुचा था वो भी तोड़ ताड़ के ये बराबर कर दिए थे। फिर अभी मैं पोछा लगा रही, अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दी, मैं भी नहा ली, फिर लड्डू गोपाल को नहलाई, क्योंकि इनको भी मैं लेके गई थी, तो अभी भी 2 दिन से नहाए नहीं थे, तो इनको भी नहा के इनका भोग लगा दे रही हूँ, दही का, दही और मिश्री मिक्स किया है। फिर उसके बाद फिर हमारा पेट पूजा होगा। तो ये रहा हमारा खाना, सिंपल आलू की सब, आलू की चूखा था भरता था और भिंडी की भुजिया, और ये बस यही खाना है हमारा। खाऊंगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी, तब जाके लगेगा कि हाँ घर का खाना खाया है। और सिर तो घूम रहा है, ऐसा होता है ना भाई, 1-2 दिन तक ऐसा रहेगा ही कि लगेगा कि सिर अभी घूम रहा है। तो सब काम होने के बाद खाना पीना भी हो गया हमारा, अब रह गए किचन के काम। तो जब तक से किचन के बर्तन साफ़ ना करूँ, किचन के तो काम कम्प्लीट होते नहीं है, किचन स्लैब सब साफ़ करना, तो ये सारी चीज़ें भी कर ले रही हूँ, उसके बाद में जाके रिलैक्स होंगी। घर में घुसते ही घर की हालत देख के तो ऐसा लगा कि अभी से ही लग जाऊँ काम करने में, मतलब 5 बजे मैं घर पहुँच गई थी, ऐसा लगा कि अभी से ही मैं लग जाऊँ, यही
हाँ अजीब सा ऐसा लगता है ना कि हम लोगों का, हम लोग कितना साफ सुथरा से घर को रखते हैं पर हस्बैंड लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। औरतें हैं घर बाहर सब कर सकती पर मर्द लोग नहीं कर पाते। घर के सब काम हो गए हैं मोस्टली नहीं कहूँगी मैंने, अब आज के आज ही पूरा कंप्लीट तो कर नहीं सकती हूँ। हाँ पोछा नहीं लगाया था, इतने दिन से मैं नहीं थी तो इन्होंने बस एक दिन पोछा लगाया था, 15 दिन में एक दिन, और बाकी झाड़ू लगाते थे। फर्श तो साफ ही था पर पोछा भी जरूरी था तो बस पोछा लगाया मैंने। थोड़ा बहुत सफाई की ड्रेसिंग की विंडो की और खाना वाना बना के ये किचन उचन सब अच्छे से स्लैब साफ कर दिया। फ्रिज तो खैर चालू था इसलिए फ्रिज गंदा नहीं है। बेडशीट झाड़ी, बेडशीट बिछाई, दूसरा बेडशीट चेंज करके बेडशीट बिछाया। तोड़ दे वो सो रहा है, इसको नहीं सोया जा रहा। तो चलो फ्रेंड्स बहुत थक गई हूँ, कपड़े भी धोने बाकी है मेरे, कपड़े भी पड़े हैं धोऊंगी आराम से, मशीन में डालना है नहीं हाथ से धोना है। मशीन में कपड़े जो है ना कल धोऊंगी, कल सैटरडे है कल धोऊंगी। बस अभी कपड़े मैंने ऐसे बस भिगो के रखा है, धोऊंगी भी एक दो घंटे में, थोड़ा आराम कर लूँ फिर धोऊंगी, फिर कल से क्या है डेली रूटीन में सब काम होगा। तो चलो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई, बहुत सुकून मिल रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जो भी नए हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद गई थी मैं राखी में, बहुत साल के बाद गई थी मैं शादी के बाद, मैं पहली बार शादी के बाद पहली बार गई थी। पर्दों की बारी है, पर्दे बारी बारी से धोऊंगी पर अभी नहीं, बाल धो के गए सब तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। ऐसा लगाइए जैसे सूर्य भगवान हुआ, चक्का बना दी चक्का। चलिए बाय।